नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल प्लंबर मैन में। दोस्तों, आज मैं आपको बाथरूम फिटिंग के बारे में जो बताऊंगा वो कुछ एडवांस वर्क के बारे में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों, हम किसी भी बाथरूम में फिटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमने बाथरूम में कंसील सिस्टम का काम शुरू किया था, और जैसे जैसे दौर बदलता गया तो हमने मिक्सर सिस्टम का काम शुरू किया। फिर उसके बाद दौर आया डायवर्टर सिस्टम का। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में बाथरूम का काम एडवांस हो चुका है, और इस एडवांस दौर में या तो बॉडी जेट का काम चलता है या फिर आपका शावर पैनल का काम चलता है। डायवर्टर का भी काम चलता है, मिक्सर का भी चलता है, कंसील में भी चल ही रहा है। दोस्तों, फिलहाल हम शावर पैनल की बात करेंगे। यदि आप किसी बाथरूम में शावर पैनल लगाने जा रहे हैं और आपका कस्टमर बोलता है कि हमें शावर पैनल ही लगाना है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसका पॉइंट देना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब भी हम कोई एडवांस काम करते हैं उसमें मेहनत कम और दिमाग ज़्यादा होता है। तो अच्छे तरीके से उस काम को समझ लें, सोच लें, और थोड़ा सा दिमाग लगाएं, उस काम को आसानी तरीके से कर लें। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि शावर पैनल दिखने में होता कैसा है और ये काम कैसा करता है। जैसा कि हम बॉडी जेट लगाते हैं दोस्तों, तो बॉडी जेट में बहुत सारा पॉइंट होता है जिससे हमें पानी चेस्ट पर भी मिलता है, हेड शावर से के माध्यम से सर पर भी मिलता है, और थाई के पास मिलता है। ठीक वही काम आपका शावर पैनल करेगा, और इसका पॉइंट देना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम मिक्सर का पॉइंट देते हैं, थ्री वे मिक्सर का पॉइंट देते हैं, बाथ वाल मिक्सर का पॉइंट देते हैं, तो तीन पॉइंट देते हैं तकरीबन 6.5 सेंटर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 2 सेंटर का पॉइंट देंगे, ठंडे और गर्म का, शावर का नहीं देंगे, और इसका डिस्टेंस 7 से 6.5 इंच तक रहेगा। ठीक है, और उसी में ये शावर पैनल कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको शावर पैनल के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों, अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यही हमारा शावर पैनल है। दोस्तों, मेरी शुरू से यही सोच है कि किसी भी चीज़ को फिट करने से पहले उसे बाहर निकाल कर और क्यों ना उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। यदि इसकी जानकारी नहीं दी जाए और हम इसे फिट करने के बाद अपना वीडियो बनाते हैं और YouTube पर डाल देते हैं, तो हमारा वीडियो देखने वाले जो लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो इस चीज़ को देख लेंगे और हमें लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, और इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। लेकिन इसके बारे में आपको समझ नहीं आएगी। जो न्यू प्लम्बर हैं, जो नए प्लम्बर हैं, उसे समझ नहीं आएगी, और पुराने प्लम्बर तो ये सब चीज़ आसानी से कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट फिट ना करके, इसको हम डायरेक्टली फिट करने से पहले आपको दिखला रहे हैं, और इसके सारे फंक्शन के बारे में आपको बतलाएंगे, और इसके पास जो पार्ट्स है उसके बारे में भी बतलाएंगे, और ये किस कंपनी का शावर पैनल है उसके बारे में भी बतलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कंपनी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जैक्वार कंपनी का ही शावर पैनल है। जैसा कि आपका इसमें आपका लोगो दिख रहा है, हमने इसका लोगो सीधा कर लिया है। ये हमारा जैक्वार कंपनी का शावर पैनल है, और इस शावर पैनल को कैसे यूज किया जाता है, तो इसमें 3 पुश बटन है दोस्तों। इस तीनों पुश बटन को यूज करने पर तीनों फंक्शन अलग अलग काम करता है। जैसा कि आप इसमें ठंडा और गर्म पानी का जो फंक्शन है वो भी आप ले सकते हैं इससे, और इसका जो ये नीचे वाला शावर का पॉइंट है ये भी यूज कर सकते हैं एक साथ, और ये हमारा जो नल का पॉइंट है, नीचे स्पाउट का पॉइंट है, इसे भी यूज कर सकते हैं। और ये शावर जो हमारा है ये सीधे चेस्ट पर पानी मारेगा, और ये जो हेड शावर है हमारे सर के ऊपर से पानी देगा। यानी कि पूरा का पूरा ये बॉडी जेट का फंक्शन है दोस्तों। और ये पीछे से दिखने में कैसा होता है ये भी आप जान लें। ठीक है, तो चलिए हम इसे पीछे से दिखलाएंगे। दोस्तों, जब हम इस वीडियो में इस शावर पैनल को उलट पुलट करेंगे तो आप थोड़े से सोच रहे होंगे कि इस इतने अच्छे शावर पैनल को कितने बुरे तरीके से उठा पटक किया जा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये ऐसी सोच नहीं है हमारी। इस चीज़ की पूरी जानकारी देने के लिए हमें इस चीज़ को उल्टा करके और सीधा करके दिखलाना पड़ेगा। तो चलिए इसका पिछला हिस्सा दिखलाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें बहुत सारा पाइप का कनेक्शन किया हुआ है। जिस तरह से हम बाथरूम में पाइप फिटिंग करते हैं दीवार में कटिंग करके, उस तरह से इसमें इस पैनल के अंदर ही सारा फंक्शन दिया हुआ है।
लगभग होज पाइप के माध्यम से इसको फिट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिख रहा है, समझ के अपने आप में ये मिक्सचर बनाया हुआ है। ये हमारा जो रेड कलर का जो पॉइंट बना हुआ है, ये हमारे लिए गर्म पानी का फंक्शन है, और ये जो ब्लू कलर का पॉइंट बना हुआ है, ये हमारे लिए ठंडे पानी का फंक्शन है। यानी कि इसमें पानी मिक्स होकर आएगा दोस्तों, और ये जो हमारा हेड है, इससे हमारा ठंडा और गर्म पानी दोनों मिलेगा। ठीक है, अब इसे वापस उल्टा करते हैं और इसकी सारी फंक्शन को हम समझते हैं। ये हमारा जो फंक्शन है, सबसे पहले सारा का सारा पानी यहाँ पे आएगा, और इससे पानी डिवाइड होके हर जगह पे मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब हम बाथरूम में जब मिक्सर कनेक्ट करते हैं, मिक्सर लगाते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये मिक्सर की तरह ही है। यहाँ पे हमने एक कनेक्शन पाइप यहाँ पे लगाया हुआ है, और एक कनेक्शन पाइप यहाँ पे लगाया हुआ है। ये कंपनी से फाइनल करके आता है दोस्तों, इसमें हमें कुछ वर्क करना होता नहीं है, बस इसे फिट करना होता है। और ये हमारा दो नीचे, एक नीचे का शावर है और एक ये ऊपर का शावर है। और इस पाइप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ये हेड शावर का कनेक्शन जोड़ा हुआ है, जिसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कनेक्शन पाइप है दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं, सॉरी दोस्तों, गलती से मेरी उंगली कैमरे पर चली गई थी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो दो कनेक्शन पाइप है, इसमें हम बीट नेपुल के माध्यम से इसे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो ये गर्म पानी का कनेक्शन पाइप है, इसमें एक बीट नेपुल लगाया हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा बीट नेपुल लगाया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों में टेप्लॉन टेप लगाना है, और टेप्लॉन टेप लगाने के बाद इसे टाइट कर देना है। ठीक है, टाइट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के लिए इसमें इसका सेट बना हुआ है, इसे टाइट करना है। यदि आपका बाथरूम में मिक्सर का पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पाइप यहाँ पे लग जाएगा और एक पाइप यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, इसको फिट करने के बाद मैं आपको बताऊँगा और इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो इसका मैनुअल है दोस्तों, कि इसे किस तरह से लगाया जाता है। जैसा कि आप इस मैनुअल में देख रहे हैं कि ये हमारा ठंडे पानी का जो पॉइंट है, और ये हमारा गर्म पानी का पॉइंट है, इसी दोनों पॉइंट में हम इस बीट नेपुल को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद इसका जो क्लिप है, ये क्लिप दीवार में लगा लेंगे, और दीवार में लगाने पर जिस तरह से हम हैंगर लगाते हैं, उस तरह से इस शावर पैनल को टांग देंगे। अब इसके सारी चीज़ों को देख लें, ये हमारा टेलीफोन शावर है। मान लीजिए कि आपको हाथ से नहाने का मन है, तो इस शावर को ऑन करिए और अच्छे तरीके से नहाइए। लोटा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस बाथरूम में लोटा नहीं होता है दोस्तों। और ये हमारा क्लिप है, ये क्लिप हम दीवार में लगा देंगे, और दीवार में लगाने के बाद इसे लटका देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट में हम इसे लगा देंगे, तो हमारा जो शावर पैनल है वो अटक जाएगा और दीवार में फिट हो जाएगा। तो एक क्लिप हमें यहाँ लगाना होता है, और दूसरा क्लिप हमें यहाँ लगाना होता है। ठीक है, और ये हमारा टेलीफोन शावर का पूरा सेट है, ये हमारा एंगल वाल है, और ये हमारा इसका पाइप है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार दूसरी वीडियो में हम इस शावर पैनल को फिट करने के बाद बतलाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। रेड कलर का जो लिखा हुआ सब्सक्राइब होता है, उसे आप पुश करें तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, और फिर उसके बगल में जो एक घंटा आएगा, उसे पुश करेंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।